हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे 3718 BS4 गाड़ी 3718 की एवरेज की पैरामीटर सेटिंग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, आपको 3718 गाड़ी के अंदर दो प्रकार के इंजन देखने को मिलेंगे, एक को हम बोलते हैं अमरेला और दूसरे को बोलते हैं अजिंक्या। तो ये दोनों अलग-अलग हमने गाड़ियों के वो इंजनों के दोनों को हम एक ही बार में ही देख लेते हैं, एक ही वीडियो में। तो हमारा BS4 गाड़ी होनी चाहिए और अमरेला इंजन और अजिंक्या इंजन, ये दोनों अलग अलग सेटिंग रहेंगी इसकी। 3718 गाड़ी होनी चाहिए, हमारी ट्रक होना चाहिए, और जो हमारा अजिंक्या इंजन होगा उसका जो आपको इश्यू कोड देखने को मिलेगा ये होगा, और जो हमारा अमरेला होगा उसमें आपको इश्यू कोड ये वाला देखने को मिलेगा। तो आप जिस गाड़ी में भी पैरामीटर की सेटिंग करेंगे, अगर आपकी अमरेला है तो आप इस लाइन की करेंगे, अजिंक्या है तो आप इस लाइन की सेटिंग करेंगे जिसका इश्यू कोड ये होंगे। तो आपको इस इन चीज का ध्यान रखना है। 3718 में अलग अलग सेटिंग होंगी, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वही हम बात कर लेते हैं क्या 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 होंगे। तो चलिए गाड़ी को हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी सेटिंग होगी वो होगा गियर डाइव प्रोटेक्शन। तो उसके अंदर हमारे जो हैवी इंजन लोड होगा उसमें हमारे दोनों में 50-50 आएगा, और इसमें भी दोनों में 50-50 आएगा, हाईवी लोड में और लो लोड में। हमारे अजिंक्या और अमरेला में दोनों में ये चीज सेम रहती है। दूसरा, उसके बाद हमारा आएगा लोड स्पीड कंट्रोल, इसमें ये हमारा अवेलेबल रहेगा दोनों के अंदर ही। और हमारा जो स्पीड ब्रेक पॉइंट है इसमें हमारे दोनों में 2000 आएंगे, और इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, इसमें हमारा यहाँ पर 2100 आएगा और 2000 होगा, और हमारा जो लोड बेस होगा वो हमारा 3737 ही रहेगा। अगर बात करें रोड स्पीड गवर्नर की, तो ये भी हमारा अवेलेबल रहेगा, और एक्सीलेटर स्पीड दोनों के 80-80 रहेंगे, और मैक्सिमम व्हीकल स्पीड हमारे अमरेला में तो रहेंगे 80 और अजिंक्या में हम करेंगे 110, और बाकी क्या हम दोनों में नीचे 0-0 करेंगे, लोअर ड्रॉप और अपर ड्रॉप। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम 5 सेकंड तक रुकते हैं फिर आगे चलते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये काम पहले कर दीजिए, उसके बाद हम अपने वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्विच मैक्सिमम इंजन स्पीड ऑपरेटिंग स्पीड की। तो हमारे दोनों में अजिंक्या और अमरेला में दोनों में सेम रहेगा ये। और फ्यूल की एडजस्टमेंट की बात करें तो ये एनेबल रहेगा, हमारा दूसरा जो स्पीड लिमिट है वो दोनों में डिसेबल रहेगा, और मैक्सिमम रोड स्पीड जितनी आप चाहें यहाँ कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको गाड़ी की एवरेज चाहिए तो यहाँ पर 60-60 होना चाहिए। और टॉर्क लिमिट की बात करें तो दोनों में सेम रहेगा, हमारे अजिंक्या और अमरेला में इंजन में दोनों में 115-115 होना चाहिए। उसके बाद बात करें एक्सीलेटर मैनेजमेंट की, तो ये भी हमारा दोनों में अवेलेबल रहेगा, और एक्सीलेटर 1 और 2 में 1.5 होगा, और यानी 1.5 1.5 दोनों में रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक्सीलेटर 1 और 2 में 1.5 1.5 दोनों में सेम रहेगा, और एक्सीलेटर 1 और 2 भी दोनों गाड़ियों में हमारा सेम रहेगा, अमरेला और अजिंक्या में। उसके बाद बात करें अगर व्हीकल स्पीड सोर्स की, तो ये दोनों में अवेलेबल रहेगा, और विदाउट व्हीकल स्पीड सोर्स में भी दोनों 22-22 दोनों गाड़ियों में रहेंगे। अगर हम बात करें गियर टीथ की, तो दोनों में 4-4 रहेगा, और गियर हमारा रियल एक्सल रेशियो भी दोनों का सेम रहेगा। ये टायर शायद दोनों के थोड़े चेंज रहेंगे, इसमें हमें अमरेला में हमें 296 करना है, और अजिंक्या में हमें 280 करना है, और बाकी व्हीकल सेंसर टाइप में हमारे दोनों मैग्नेटिक मैग्नेटिक रहेंगे, और 260-48 60-48 रहेंगे। तो ये अब इसकी बाकी की सेटिंग है दोनों के अलग अलग। तो आप इसका भी हम 5 सेकंड रुकते हैं, और आप इसका तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, आप ये चीजों का ध्यान रखें, हमारे गाड़ी 3118 ही है, आप ये इशू कोड का ध्यान रखें। अगर आपका ये इशू कोड है तो आप इस लाइन की सेटिंग करेंगे, और अगर आपका FM से आपकी ये चालू हो रही है तो आप इस वाली लाइन की सेटिंग करेंगे।
फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर।